अकेले बहराइच में ही हिंसा की आग नहीं भड़की, बल्कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बैक टू बैक दो दिन तगड़ा बवाल हो गया। साथ ही पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी उपद्रवियों ने हंगामा काट दिया। काशी से आई इन तस्वीरों को देखिए। संकरी गली में पथराव करता उपद्रवियों का झुंड, ईंटें फेंकते, पत्थर बरसाते, बाइक तोड़ते, देखते ही देखते उपद्रवियों की संख्या बढ़ गई और तंग गली युद्ध का मैदान जैसी नजर आने लगी। ये वायरल वीडियो वाराणसी के गदौलिया क्षेत्र स्थित देवनाथपुर इलाके का है। बताया जा रहा है कि यहाँ आधी रात को कुछ युवक नशे में नारेबाजी करने लगे। यहीं से शुरू हुआ ये बवाल पत्थरबाजी पर आ गया। गनीमत है कि पुलिस जल्द ही मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद हालात कंट्रोल में आ गए। फिलहाल पुलिस ने इस वायरल वीडियो में दिख रहे उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया है। अब बात करते हैं कुशीनगर की। यहाँ भगवान राम पर अभद्र विवादित पोस्ट को लेकर देर रात बवाल मच गया। विशुनपुरा थाना क्षेत्र के दुधही कस्बे में सैकड़ों युवकों ने घंटों तक सड़क पर गदर काट दिया। गुस्साए युवकों ने देर रात करीब दो घंटों तक गांधी चौक पर पहुंचकर सड़क जाम कर दी और अभद्र टिप्पणी करने वालों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी की मांग करने लगे। बाद में पुलिस क्षेत्राधिकारी के आश्वासन के बाद युवकों का गुस्सा शांत हुआ और सड़क जाम खत्म हुआ। हालांकि तनाव को देखते हुए भारी फोर्स मौके पर तैनात कर दी गई है। साथ ही पुलिस ने आरोपी के पिता को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके अलावा बहराइच में हुए विवाद को देखते हुए श्रावस्ती पुलिस हाई अलर्ट पर है। जिले के अति संवेदनशील नसीरगंज और बदला में सड़कों पर उतरे डीएम और एसपी ने फ्लैग मार्च कर लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया। श्रावस्ती के साथ साथ एटा में भी किसी भी अनहोनी की आशंका को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस गश्त कर रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।